उच्चतम न्यायालय का आज का निर्णय बहुत अहम है और मुझे लगता है कि कानून की जो प्रक्रिया है उसी के अनुसार वो हुआ है। हाँ, जो घोर मोदी विरोधी है उनको हताशा हो सकती है, लेकिन कानून कानून के दायरे में ही काम कर सकता है और इसलिए उच्चतम न्यायालय का जो फैसला है वो कानूनी प्रक्रिया जैसी है। अब लोअर कोर्ट में जहां सुनवाई है वही होगा। तीन तीन बार इन्वेस्टिगेशन हो गया एसआईटी द्वारा, तो इसीलिए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अब उच्चतम न्यायालय द्वारा ये मॉनिटरिंग आगे नहीं हो सकता। और इसलिए मुझे लगता है कि दिस इज द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ विच इज एक्सपेक्टेड टू हैपन एंड दैट इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज ऑर्डर्ड। आई कैन अंडरस्टैंड डेस्परेशन ऑफ मोदी बेटर्स एंड मोदी हेटर्स, बट वी कांट हेल्प द लीगल प्रोसेस हैज टू फॉलो द लॉ एंड दैट इज व्हाट हैज टुडे हैपन्ड। वी विल गिव अवर फुल डिटेल कॉमेंट, अरुण जेटली जी विल गिव एट 2 PM टुडे। कौन लोग हैं जो अभिषेक जी को बदनाम कर रहे हैं सरकार की बार बार? नहीं, ये तो 10 साल से मोदी को बदनाम करने की, गुजरात को बदनाम करने की कोशिशें कुछ ताकतें जानबूझकर कर रही है, लेकिन वो हर बार परास्त हुए हैं। आज का निर्णय भी उनको एक झटका है।